मानव रचना यूनिवर्सिटी में नेशनल मीडिया कनक्लेव का आयोजन मीडिया आउट ऑफ रीच जिम्मेदारी व जवाबदेही विषय पर किया गया। कनक्लेव में बतौर विषय अतिथि अनुराधा प्रसाद, पंकज पचौरी, एम के बैन, राज्यसभा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश बादल सहित कई मीडिया के दिग्गज मंच पर मौजूद रहे, जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ रहे छात्र छात्राओं के साथ अपने करियर के अनुभव साझा किए। मानव रचना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एनसीवी वाधवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके यहां जर्नलिज्म पढ़ने वाले छात्रों के लिए वह हर साल नेशनल लेवल के मीडिया सेमिनार का आयोजन करते हैं, जिसके चलते आज यूनिवर्सिटी द्वारा कई मीडिया दिग्गजों को यहाँ बुलाया गया है ताकि वह अपने अनुभवों को उनके साथ साझा कर सके। उन्होंने बताया कि आज सेमिनार में मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। आज मीडिया का उन मुद्दों पर क्या रोल है उन्हें बताया गया। चूँकि छात्र जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें ही आगे चलकर मीडिया की कमाल संभालनी है, तो इसी सोच को आगे रखते हुए आज उन्होंने विभिन्न मीडिया के संबंधित दिग्गजों को यहां बुलाया, जो जर्नलिज्म के छात्रों को उनके मीडिया जगत में आगे कैसे बढ़े इस पर उन्हें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में आजकल जो खबरें वायरल की जाती हैं, इस मुद्दों पर भी मीडिया विशेषज्ञों ने छात्रों को जागरूक किया कि सोशल साइट पर जो वीडियोस मीडिया द्वारा वायरल की जाती हैं वो सच है ये नहीं, ये सारी जानकारी भी उन्होंने इसे छात्रों को इस सेमिनार के द्वारा बताई। वहीं सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल करने पर कैसे कानूनी कार्रवाई होती है इसके बारे में भी बताया। वहीं सेमिनार में भाग लेने वाली जर्नलिज्म के छात्र छात्राओं ने बताया कि आज नेशनल मीडिया सेमिनार में बहुत बड़े मीडिया दिग्गजों ने उन्हें उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं जर्नलिज्म के छात्र होने के नाते उन्होंने मीडिया दिग्गजों से कई सवाल भी पूछे और उन्हें उनके हर सवाल का जवाब बड़ी ही तसल्ली से दिया गया और वह लोग मीडिया में अपना करियर कैसे बनाए उन्हें यह भी बताया गया। छात्रों ने बताया उन्हें आज पता चला कि जर्नलिज्म पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि जर्नलिज्म समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बारे क्या कानून है या कानून नहीं है या कैसे वायरल होती है और वो बिना कंफर्म किए वो न्यूज़ फैलती चली जाती है, तो इन बच्चों को फैकल्टी को गाइड किया कि जो सोशल मीडिया पे कई बार गैर जिम्मेदारन ढंग से न्यूज़ जो है ना विदेश की और ये की और झूठ के रूप में कि इंडिया की है तो वो वायरल हो जाती है, तो इन्हें सचेत किया कि इसको पहले क्रॉस चेक करना चाहिए उसके क्या वेबसाइट्स हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर हैं जिससे ये चेक हो सकती है, सारी जानकारी दी उनके, इसमें भी उनको काफ़ी ज्ञान बांटा। आज हमारे कॉलेज में जो मीडिया पर्सनल्स हैं इंडिया के, वो बहुत जो रेनाउंड पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज और मीडिया नेटवर्क में बहुत साल काम किया है, फिर उसके बाद मल्टीमीडिया में आए हैं, सोशल मीडिया में आए हैं, उन्होंने आज हमारे साथ इंटरेक्शन किया। हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि एज अ मीडिया पर्सनल वो क्या जो चेंजेस आए हैं मीडिया में वो क्या फील करते हैं, क्या चीज़ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या और इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद हमने एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म उनसे क्वेश्चंस किए कि जब हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमारा कैसा उसको लेकर एस्पेक्ट होना चाहिए, क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, कैसे हम उन चीज़ों को फेस करके उसे एक अच्छा सा रिजल्ट और आउटकम निकाल सकते हैं। इन मास कॉम इन जर्नलिज्म, मेरा नाम नीरज है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में करी थी, तो आई एम वेरी न्यू टू दिस सब्जेक्ट। सो आज जो मीडिया कॉन्क्लेव हुआ हमें कुछ ऐसा जानने को मिला जो एक फ्रेशर्स को ज़रूर जानना चाहिए। हम एज अ सिटीजन एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स विच वी डू नॉट गेट इन आर स्कूल और कॉलेजेस। तो आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए थे और पैनलिस्ट भी आए थे, मिसेज अनुराधा प्रसाद वो भी आई थी, तो उनके साथ जो हमारा इंट्रैक्शन रहा वो काफ़ी इस हद तक था जहाँ पे हमने एंटरटेनमेंट एज वेल एज पॉलिटिक्स दोनों की बातें करी। हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कितनी इम्पॉर्टेंस है वो हमने मिस अनुराधा शर्मा से जाना। उन्होंने हमें बताया कि जितना हमारे लिए पॉलिटिक्स और सोशल एथिक्स और वैल्यूज ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, तो इस बारे में हमने उनसे आज बात करी।